दोस्तों, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये गोवा ट्री में जो इसका फ्रूटिंग का जो फ्लावर है वो अभी आप देखिए पूरा ब्लूमिंग स्टेज पर है। और अभी हम अगर इसमें हैंड पॉलिनेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि यह जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। पॉलिनेशन जो है वो नेचुरली होता है, जैसे कि मधुमक्खियाँ हो गई वो पॉलिनेशन करती हैं। लेकिन यदि आप होम गार्डन में या अपने घर में गोवा ट्री लगाए हुए हैं और आपके वहाँ उतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ नहीं आती हैं तो आप हैंड पॉलिनेशन की मदद से भी अपने जो है गोवा ट्री के फ्लावर को पॉलिनेट कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं आपको हैंड पॉलिनेशन की पूरी प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप अपने घर में या अपने टेरेस पे लगे हुए जो भी गोवा ट्री का प्लांट है उसके फ्लावर में हैंड पॉलिनेशन कर सकें। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से, देखिए, एक ब्रश की। तो आप कोई भी सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए, जैसे मैंने ये मेकअप ब्रश है तो मैंने इसका इस्तेमाल मैं आज कर रहा हूँ। और आप अपने फ्लावर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये जितने भी सारे आजू बाजू आपको दिख रहे हैं इससे हमें लेना है। और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें हमें ब्रश को सिंपली ऐसे टैप करना है। यहाँ से आप लेंगे पॉलिन और यहाँ पे लगा देंगे। तो ये यहाँ से इसके जो है यहाँ से हमें इस तरीके से लेना है और यहाँ पे इस तरीके से इस पे लगा देना है। ये जो है प्रोसेस आप 4-5 बार करें जब तक आपको लगे कि सफिशियंट हो गया है। इस तरीके से इसमें ऐसे लगा दीजिए अपने। ये आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ वाइट वाइट आपको थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म दिखेगा। देखिए ब्रश पे जो वाइट वाइट है वो थोड़ा सा लगा हुआ है। तो यही पॉलिन है जो इसमें हमको लगाने हैं। तो इसको हमने लिया और जस्ट इसके ऊपर इस तरीके से जो है टैप करते गए। और इससे क्या है आपका ये जो फ्लावर है ये पॉलिनेट हो जाएगा और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको इसका अपडेट रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि ये हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए। और यदि आप चाहें तो ऐसे और भी जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उनकी भी हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन बहुत ही अच्छा तरीका होता है। यदि आप कहाँ नेचुरली पॉलिनेशन नहीं होता है, आपके गार्डन में जो है नेचुरली पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, तो आप अगर फ्लावर आने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें जो है पॉलिनेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप ज़रूर हैंड पॉलिनेशन का इस्तेमाल करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।